मेरे अति प्रियो, प्रभु यीशु मसीह के नाम से अभिवादन करता हूँ। प्रभु में सदा आनंदित रहना चाहिए ना? प्रभु आपके साथ प्रतिदिन रहता है, इसलिए ही आज आपके मन में जांच करके देखना है, यीशु आपके मन में है ना? ऐसे कहिएगा तो आनंद आ जाएगा। लेकिन आपका जीवन में कभी कभी आपके साथ जब अन्याय से व्यवहार किए जाते तो आप बहुत दुखित हो जाते हैं। मेरे घर में ही मेरे विरोध में लोग काम करते हैं, या मेरा काम करने के जगह में मुझे लोग ऐसे नीचा समझते हैं, आपका विरोध में गलत मुकदमा करते हैं, झूठे इंजाम लगा के आपको दोषी ठहराते हैं। लेकिन जो है, आपके विरोध में इतना लोग काम करने से आप घबराते हैं ना, आपके गांव में, आपके शहर में जहां आप काम करते हैं, सारे लोग आपके विरोध में काम करने के चलते आपके मन में इतनी जो है बहुत दुख में है ना, मेरे विरोध में अन्याय हो रही है, मेरे लिए कहाँ न्याय मिलेगा, ऐसे आप सोचते हैं ना। लेकिन भजन संहिता 140 अध्याय के 12 वचन में प्रभु कहता है, ये यहोवा मुझे निश्चय है कि तू दीन जन का और दरिद्रों का न्याय चुकाएगा। आप कहते हैं मैं तो दीन दरिद्र हूं, इसलिए मेरे विरोध में ऐसे कहते हैं। यदि मैं अपने पास जो है मेरे परिवार वाले धनी होते तो मेरे विरोध में कभी भी नहीं बोलते। मैं दरिद्र होने के चलते मेरे विरोध में लोग बोलते हैं, आप दीन दरिद्र है तो इसलिए आप चिंता नहीं करना, परमेश्वर आपके लिए बात करेगा, वो न्याय को आपके लिए प्रभु सही ढंग से काम करेगा। जहां आप काम करते हैं आपका आपस में अन्याय हो रही, नहीं तो आपके जो मुकदमा केस जो है वो न्यायाधीश के पास प्रभु बात करेगा, इसलिए आपको कभी भी चिंता नहीं करना है। आप हमेशा यही सोचते हैं मैं तो दीन दरिद्र हूँ, लेकिन आप कभी भी ऐसे नहीं सोचना, क्योंकि आकाश और जो पृथ्वी का सृजनहार प्रभु बड़ा धनी है, उसके हम संतान है। आकाश और पृथ्वी का सृजनहार बड़ा धनी है, इसलिए हिम्मत से कहना वो परमेश्वर मेरे साथ है और मेरे न्याय को वही जो है चुकाने वाला है। आप हमेशा अपने दिल में अपने बारे में सोचते हैं हीन की भावना है, लेकिन प्रभु कहता है आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर मैं तुम्हारे साथ हूँ, इसलिए तुम दरिद्र नहीं है। वो कहता है धनी परमेश्वर मैं तुम्हारे संग रहता हूँ, इसलिए परमेश्वर यदि आकाश और पृथ्वी का सृजनहार परमेश्वर है तो आपको कहना है मुझे कोई कमी नहीं है, परमेश्वर मेरे सारे न्याय को सही ढंग से वो करने वाला। यह मेरे साथ आप प्रार्थना करेंगे, हे पिता मैं तो प्रभु दीन दरिद्र हूँ, लेकिन तू मेरे साथ रहने वाला है, मेरे न्याय को तू ही प्रभु जी सही समय में करने वाले हैं, इसलिए मैं विश्वास के साथ अर्पण करता हूँ, तू ही मुझको आगे बढ़ाना है प्रभु। यीशु के नाम से आमीन आमीन।